हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट जो आपका न्यू चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स में आपने क्लास नाइन्थ में भी डिस्कस किया था, आपने पढ़ा होगा कि स्टैट्स क्या होता है, उसमें मीन, मीडियन और मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी को रिकॉल करेंगे थोड़ा सा। क्लास नाइन्थ में आपने जो स्टैट्स को स्टडी किया था उसमें आपका अनबाउंडेड रीजन से आपने फाइंड आउट किया था। क्लास टेंथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाउंडेड, जो आपका बाउंडेड है उसका मीन और मीडियन मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपके सिलेबस में है मीन, सेकंड है मीडियन एंड थर्ड इज मॉड। इन तीनों को स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप्ड डेटा, जो ग्रुप डेटा दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था अनग्रुप डेटा, तो वो नाइन्थ में था अनग्रुप डेटा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस क्लास टेंथ में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो पहले उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि मीन जो होता है वो मीन को, जो अनग्रुप डेटा होता है उसका मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, मीन फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मतलब हो गया केवल ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं, ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, उसमें लिमिट बाउंडेशन नहीं होता है। Only observations are given. Like, if observations are given, if x1, x2, x3, x3, x4, dot dot dot, xn, ये आपके n observations given है। इन n observations का आपको find करना mean। तो क्या होता है, देखिए formula क्या होता है, mean इसको denote करते हैं x bar से। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस, ये आपके ऑब्जर्वेशंस गिवन है एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री कॉमा एक्स फोर डॉट 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 एक्स एन, दीज आर ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनका सम, दैट मींस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट 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 प्लस एक्स एन टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास एन दे रखे हैं, क्योंकि जो आपकी सीरीज गिवन है उस सीरीज में एन टर्म्स गिवन है, लास्ट में लिखा हुआ है एक्स एन, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एन, तो अपॉन में आ जाएगा आपका एन। ओके, नाउ एक्स बार इज इक्वल टू, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समेसन, और समेसन का मतलब होता है जो सीरीज गिवन है उसका सम, जितने भी टर्म्स गिवन है उन सभी का सम, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। और व्हाट इज द मीन ऑफ आई, आई का मतलब क्या होता है, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग आई इज इक्वल टू वन टू एन, आई इज इक्वल टू वन टू एन मीन्स आई जो है आपका, आपकी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो वन से स्टार्ट हो रही है, आई इज इक्वल टू वन का मतलब हो गया वन से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, एन तक जा रही है। तो ये लिखा हुआ है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन और अपॉन में एन। अब देखिए, अगर i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको x1 मिलेगा, यहां पर पुट करेंगे i इज इक्वल टू 1 तो आपको मिलेगा x1, देन वी पुट i इज इक्वल टू 2 दैट मींस x2, नेक्स्ट वी पुट i इज इक्वल टू 3 दैट मींस x3 टिल 2n, तो आपको सीरीज मिलेगी x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 plus xn टोटल अपॉन n। तो उसको फॉर्मुलेट ऐसे करते हैं सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n xi अपॉन n, दैट इज द फॉर्मूला।
अगर ऑब्जर्वेशंस गिवन है, अनग्रुप डेटा गिवन है, तो उसका मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। अब बात आती है कि अगर हम लोग इसी को, अगर इसी मीन को ग्रुप डेटा से फाइंड करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन फॉर ग्रुप डेटा, मीन फॉर ग्रुप डेटा, इसमें थ्री मेथड होते हैं मीन को सॉल्व करने या मीन को फाइंड करने के, थ्री मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज, सेकेंड मेथड इज होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड वन इज स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड जो होता है वो एज्यूम मीन मेथड की नेक्स्ट स्टेप होती है। तीनों से, ये जो आपके थ्री मेथड्स हैं, इन तीनों से आपका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा, आंसर आपका जो आएगा सेम आएगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। चेंजमेंट अगर होगा तो सिर्फ डेसिमल वाली जो वैल्यू होती है उसमें चेंजमेंट हो सकता है, वो भी लिटिल बिट, बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा, लेकिन तीनों से आंसर आपका सेम आएगा। और तीनों मेथड से ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविजन मेथड, किसी एक मेथड से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन या गिवन डेटा, और वहां पर यह नहीं कहा गया आपसे कि किस मेथड से सॉल्व आउट करना है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है या एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है या स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व करना है, ये कोई बाउंडेशन नहीं दे रखा है। जब कोई बाउंडेशन ना गिवन हो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होता है, इसलिए डायरेक्ट मेथड इज बेटर। और पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है कि फाइंड द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, तो जिस मेथड से कहा जाए आप उसी मेथड को यूज करेंगे। तो पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज्यूमिंग मेथड से और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड से, किसी एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। लेट्स बी स्टार्ट। एक्सरसाइज आपकी है 18A, आरएस अग्रवाल से 18A जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड गिवन है उसको सॉल्व आउट करते हैं। आरएस अग्रवाल का है एक्सरसाइज 18A क्वेश्चन नंबर थर्ड। आरएस अग्रवाल की जो एक्सरसाइज 18 है उसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड गिवन है उसको सॉल्व करेंगे फॉर थ्री मेथड्स। तो क्वेश्चन इज गिवेन, वन टू थ्री, ये आपका गिवेन है क्लास इंटरवल, इसको लिखते हैं सी आई, क्लास इंटरवल दैट मीन्स सी आई। वन टू थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव टू सेवन एंड सेवन टू नाइन। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय एफ आई, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 12, 22, 27 एंड 19। तीनों इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि इस टेबल को कैसे कंपेयर कंप्लीट करते हैं
और तीनों मेथड से मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके ऑब्जर्वेशंस गिवन थे। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फॉर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड्स के लिए फर्स्ट वी फाइंड आउट एक्स आई। अब एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई जब फाइंड आउट करते हैं तो ये जो क्लास इंटरवल होता है इसका यूज करते हैं। दैट मीन्स अपर लिमिट, ये जो आपका वन लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया लोअर लिमिट, और जो ये आपका थ्री गिवन है इसका मतलब हो गया अपर लिमिट, दैट इज लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अपर लिमिट, वन इज लोअर लिमिट एंड थ्री इज अपर लिमिट। तो एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, तो थ्री प्लस वन करेंगे तो फोर मिलेगा, और फोर को जब टू से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा टू। अब आगे वाले जो टर्म है इनको कैसे फाइंड करते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे फाइव प्लस थ्री करेंगे तो एट आएगा, और एट को जब टू से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा फोर। अब देखो दोनों के बीच में इंटरवल कितना है, फोर और टू के बीच में गैप कितना है, टू का गैप है, तो टू हम कॉन्टिन्यूसली एड कर देंगे, तो फोर टू फोर प्लस टू करेंगे तो आएगा सिक्स, और सिक्स प्लस टू करेंगे तो आएगा एट। आप चेक कर सकते हैं नाइन प्लस सेवन, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, और सिक्सटीन को जब टू से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको एट। तो ये आपका निकला है एक्स आई। नाउ इसी को इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखें जरा ध्यान से, ये जो टेबल गिवन है इस टेबल में आपके पास गिवन है एफ आई और गिवन है एक्स आई, और हमें नीड किसकी है, एफ आई एक्स आई की। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट एफ आई एक्स आई, दैट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 12 टू जा 24, 22 फोर जा 88, 27 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 162, 6 7 जा 42, और 6 टू जा 12, 12 प्लस 4 16 तो आएगा 162, 19 8 जा कराएंगे तो ये आएगा 8 9 जा 72, तो ये आएगा 152, 19 8 जा होगा 152। अब यहां पर आपको फाइंड करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सभी को प्लस करेंगे, जितने भी एफ आई एक्स आई के टर्म गिवन है सभी को प्लस कराएंगे, और आपको फाइंड करना सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स ये आपका सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कैसे फाइंड करेंगे, जो एफ आई के टर्म्स दे रखे हैं इन सभी को प्लस कराएंगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई। तो प्लस कराते हैं, इस फॉर्मूले को रफ कर देते हैं पहले, क्या मिलेगा देखो ध्यान से, टू टू फोर, फोर सेवन इलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी, टू प्लस वन थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव टू सेवन, सेवन और वन एट, ओके नाउ इसको ऐड करेंगे, टू प्लस टू फोर, फोर फोर एट, एट एट सिक्सटीन, वन फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व एट ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स, ये आपका फाइनल हो गया। नाउ यूज फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। नाउ वी पुट द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आएगा 426 अपॉन में आएगा 80, इसको डिवाइड करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू 426 अपॉन में 80, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, चेकआउट करते हैं इसको, 80 से डिवाइड करते हैं 426 को,
ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेट 5.32, एक्स बार इज इक्वल टू आ गया आपका 5.32, दैट इज द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस बाय डायरेक्ट मेथड। जो आंसर आपका डायरेक्ट मेथड से निकलेगा वही आंसर आपका आएगा एज्यूमिंग मेथड से और वही आंसर आएगा आपका स्टेप डिविएशन मेथड से। तो फर्स्ट यू नोट इट। अब इसको कंप्लीट करते हैं टेबल को फॉर एज्यूमिंग मेथड एंड एक्स वन इज स्टेप डिविएशन मेथड। दोनों के लिए टेबल को पहले कंप्लीट करते हैं। एज्यूम मीन मेथड के लिए फर्स्ट वी फाइंड आउट डी आई। अब डी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी आई इज इक्वल टू होता है आपका एक्स आई माइनस ए। ये जो टेबल आपकी बन के आएगी, जो कॉलम आपका बनेगा उसमें फाइंड आउट करेंगे डी आई, डी आई की वैल्यू को पुट करेंगे। अब डी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई तो आपको मालूम है कि एक्स आई ये गिवन है, ये एक्स आई का कॉलम दे रखा है, तो एक्स आई के टर्म तो गिवन है, लेकिन वॉट इज द ए, वॉट इज द ए। अब ए का मतलब क्या हुआ? ए आपका मतलब हो गया कि हम किसी वैल्यू को एज्यूम करेंगे, किसी वैल्यू को एज्यूम करेंगे, दैट मीन्स जो एवरेज वैल्यू होगी उसको एज्यूम करेंगे। कैसे एज्यूम करते हैं? इफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो वहां पर दो वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, दो में से दो टर्म होते हैं जिनको हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन करना आपको कोई एक ही होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दे रखे हैं तो इजी होता है, अगर फाइव टर्म्स दे रखे हैं तो टू एबव वाले छोड़ दो, टू बिलो वाले छोड़ दो, जो मिडिल वाला टर्म आएगा वो हमारा हो जाएगा एज्यूम वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर हमारे पास फोर नंबर्स गिवन है 1 2 3 4। अब किस वैल्यू को, किस वैल्यू को ए लेट करें? या तो आप फोर को ए लेट कर लें या फिर सिक्स को ए लेट कर लें, आंसर आपका दोनों से आएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप फोर को ही करें या फिर आप सिक्स को ही करें, नहीं, आपको जो इजी लगे या जिससे आपको मन करे आप उसे कर सकते हैं। यहां पर हम लोग एलिट करेंगे, फोर को एलिट करते हैं, फोर को एलिट करेंगे, एलिट कर लिया। अब आपको फाइंड करना है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई वाले जो टर्म दे रखे हैं, जो ये एक्स आई वाले टर्म दे रखे हैं, इन सभी से फोर को माइनस करना है। तो पहले माइनस करेंगे, टू माइनस फोर तो आएगा माइनस टू, टू माइनस फोर करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस टू। नेक्स्ट हमारे पास फोर, और फोर से फोर को माइनस करेंगे तो मिलेगा जीरो, फिर सिक्स माइनस फोर करेंगे तो मिलेगा टू, और एट माइनस फोर करेंगे तो आपको मिलेगा फोर। अब देखें क्या होता क्या है, इसकी कंडीशन क्या होती है। जिस नंबर को हम ए लेट करते हैं उसके एबव जो वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है। आपने ए को लेट किया फोर, तो फोर के एबव क्या है? टू, तो टू के सामने निगेटिव वैल्यू आ रही है। सेकेंड, जिस नंबर को आपने ए लेट कर रखा है उसके सामने हमेशा वैल्यू जीरो मिलेगी ऑलवेज। थर्ड पॉइंट, जिस नंबर को आपने ए लेट किया हुआ है उसके बिलो जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सभी पॉजिटिव आएंगी। देखिए टू एंड फोर दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन ये जो नंबर आएंगे आपके पॉजिटिव निगेटिव, ये नंबर आपके सेम होंगे, ये नंबर चेंज नहीं होंगे। जैसे आपका ये माइनस टू आ रहा है तो यहां पर प्लस का टू आ रहा है, अगर यहां और नीचे माइनस का फोर आता तो यहां पर देखिए ऑलरेडी प्लस का फोर दे रखा है। तो जीरो के एबव वैल्यू निगेटिव आएगी और जीरो के बिलो जो वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट मीन्स कैलकुलेशन के पर आपका रॉन्ग हो चुका है, ये बात हमेशा माइंड में रखें कि जिस वैल्यू को हम ए लेट करेंगे उसके अलोंग उसके सामने जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, उसके जो एबव वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी और उसके जो बिलो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, और नंबर्स हमारे सेम रहेंगे, नंबर हमेशा चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनस टू आ गया तो यहाँ पर प्लस का थ्री आ जाए, नहीं, कभी नहीं होगा। अगर यहाँ माइनस टू है तो यहाँ पर प्लस टू आएगा, अगर यहाँ पर फोर आ रहा तो यहाँ पर माइनस फोर आना चाहिए, वो तभी पॉसिबल था जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड होते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है इसलिए हमारे पास सारे नंबर मैच नहीं करेंगे, लेकिन जो मैच करेंगे वो सेम नंबर होंगे। तो ये आ गया। इसके बाद फाइंड करेंगे एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। अब देखो एफ आई डी आई कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका एफ आई दे रखा है और ये आपका डी आई दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 इंटू माइनस टू करेंगे तो आएगा माइनस का 24,
12 टू जा होता है आपका 24, तो ये हो जाएगा आपका -24। 22 इंटू 0 कराएंगे तो आपको मिलेगा 0। 27 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा आपका 54। 19 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा आपका 76। 19 जो होता है 76। ओके, नाउ वी फाइंड आउट सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब हो गया जितने भी टर्म आ रहे हैं सभी को प्लस करेंगे। तो प्लस करते हैं, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों पॉजिटिव है और ये नंबर आपका नेगेटिव है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, जितना भी आएगा उससे आपको इसको माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, पहले इसको प्लस करते हैं, 54 एंड 76 को प्लस करना है तो ये हो जाएगा 10, ये आ गया 130, और माइनस करना है 24 को, तो 24 को जब माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 10 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 6, 2 माइनस 2 0, 106 आएगा, ये वैल्यू आ गई 106। अब एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, दिस इज द फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू केवल एफ फोर, तो यहां पुट करेंगे 4। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आपने फाइंड करी हुई है 106, तो यहां पर पुट करेंगे 106 अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू गिवन है 80। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट आंसर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 80 से इसको डिवाइड करेंगे 106 को, 80 बन जाए 80 हो जाएगा आपका, ये माइनस करेंगे तो आएगा 6, 26, डेसिमल पुट करेंगे तो जाएगा 0, 8 थ्री जा होता है 24, तो आएगा 240, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 20, 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.32, तो ये आएगा 1.32, प्लस करेंगे तो आएगा 5.32। जब आपने इसको सॉल्व किया था डायरेक्ट मेथड से उस समय भी आपका आंसर आ रहा था 5.32, आपने एज्यूम मीन मेथड का यूज किया उस कंडीशन में भी आपका आंसर आ रहा है 5.32। नाउ थर्ड स्टेप होती है आपका, थर्ड मेथड होता है स्टेप डिविएशन मेथड। नाउ वी यूज स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड के लिए आपको एक स्टेप और यूज करनी होती है, तो उस कॉलम को हम यूज करेंगे, बनाएंगे यहां पर। स्टेप डिविएशन मेथड में आपको फाइंड करना होता है UI, और UI कैसे फाइंड करते हैं, DI अपॉन H। अब ये H क्या होता है, DI अपॉन H, तो यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे DI का मतलब हो गया, सॉरी UI का मतलब हो गया DI अपॉन H। अब व्हाट इज एच, एच कैसे फाइंड आउट करते हैं, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एच मींस हो गया डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब ये जो आपका लिमिट गिवन है कहीं से भी आप फाइंड करेंगे तो सेम इंटरवल मिलेगा, एच को बोलते हैं इंटरवल। तो 3-1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 5-3 करेंगे तो 2 मिलेगा, 7-5 करेंगे तो 2 मिलेगा, एंड 9-7 करेंगे तो 2 मिलेगा। दैट मींस एच की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है। यहां पर क्या गिवन है आपके पास, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, दैट मींस डी आई के जो टर्म्स, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं डी आई के, सभी को 2 से डिवाइड करना है। एच का मतलब हो गया 2 गिवन है आपका, तो ये आपका गिवन है डी आई, ये डी आई वाला कॉलम गिवन है। इस डी आई के जितने भी टर्म है सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 1, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2। दीज आर द नंबर्स ऑफ यू आई। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी फाइंड आउट एफ आई यू आई। अब लोग फाइंड करेंगे एफ आई यू आई, देखिए कैसे, एफ आई आपका ये दे रखा है और ये आपका यू आई गिवन है।
इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 1 करेंगे तो मिलेगा आपको 12, 22 इंटू 0 करेंगे तो मिलेगा 0, 27 इंटू 1 करेंगे, सॉरी ये माइनस बनाएगा, माइनस बनाएगा, ओके माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, 27 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 27, एंड 19 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। सेम वही वर्किंग आपको करनी है, यहां से फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई यू वन, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे एंड दिस वन इज सबट्रैक्ट, तो 27 प्लस 38 करेंगे तो आएगा 65, और 12 को माइनस करना है तो माइनस करेंगे दैट मीन्स आएगा 53, तो ये आ गया आपका 53। नाउ वी यूज फार्मूला ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड, थर्ड आपका होता है स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, इस मेथड का आपको यूज करना है। कैसे करेंगे देखिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार का मतलब होता है मीन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब दोनों में अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डिवीजन मेथड में, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। एज्यूम मीन मेथड में एच का यूज नहीं होता है, जबकि स्टेप डिवीजन मेथड में एच का यूज होता है। देखिए यहां पर एच से डिवाइड किया गया, जब आपने यू आई फाइंड किया तो एच से डिवाइड किया गया और वही यहां पर एच से मल्टीप्लाई करा दिया गया, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ए की वैल्यू है 4 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है 53 अपॉन में सिग्मा एफ आई दैट इज 80 इंटू एच की वैल्यू गिवन है 2। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 53 इंटू 2 करेंगे दैट मीन्स आपको मिलेगा 106 अपॉन में 80 डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस, अब देखिए आप लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड थर्ड स्टेप ऑफ एज्यूमिंग मेथड, तो आपको सेम यही स्टेप मिलेगी, जब 80 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.32 और प्लस करेंगे तो आएगा 5.32। तो आपको जब मीन फाइंड करना हो और किसी भी मेथड से फाइंड करना हो तो तीनों मेथड से आपका आंसर सेम निकलेगा, एज्यूमिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। अब इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, तो किसी एक क्वेश्चन को पिकअप करें बुक से आपकी, चाहे एनसीईआरटी हो या आर एस अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो या कोई भी बुक हो आपके पास, उस बुक से कोई एक क्वेश्चन लें और उस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करें, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। दूसरा होता है इसमें फार्मूला, इन तीनों के फार्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फार्मूला आप लर्न नहीं कर सकते हैं। फार्मूला लर्न तभी होगा जब बार बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी एक क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स अगर आपने सॉल्व किया हुआ है, बार बार फार्मूले का यूज किया हुआ है, तो फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, तो जब एक दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको टेबल बनाना भी आ जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो आपका ये जो आपका मीन फ्रॉम थ्री मेथड्स है ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ थैंक यू।